हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन आज हम घर पे बनाएंगे, तीखी चटपटी और बिल्कुल खिली खिली। बहुत सारे टिप्स छोटे छोटे आपके साथ में शेयर करूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज की हम रेसिपी देखते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो सबसे पहले तो नूडल बॉईल करते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ एक पैकेट नूडल्स लिए हुए हैं और गरम गरम बिल्कुल उबलते हुए पानी में ही हमें नूडल्स को बॉईल करना होता है। तो एक बड़े बर्तन में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है, 1 से 1.25 लीटर के लगभग। इसमें हम नूडल्स डाल देंगे। जब पानी में उबाल आने वाला होगा यानी पानी खूब गर्म होगा तभी हम नूडल्स डालेंगे, पहले से नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक कर लिया है मैंने नूडल्स को, यानी तोड़ लिया है बीच में से, और सारे नूडल डाल करके हाई फ्लेम पर ही हम नूडल्स को उबालेंगे। जब भी आप नूडल बॉईल करें तो जो बर्तन लें वो बड़ा लें और पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखें। बीच बीच में हम चेक करते जाएंगे कुछ इस तरह से। इसमें मैंने ना तो नमक डाला है ना ही मैं तेल डालूँगी, क्योंकि मुझे तुरंत तुरंत ही बना लेना है सारे नूडल्स। लेकिन अगर आपको इन्हें रखना है तो आप इसमें 1-2 चम्मच तेल डाल दीजिए, उससे ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होते हैं। तो नूडल्स को हमें सिर्फ यहाँ 90% बॉयल करना है, और 90% बॉयल करने के बाद इस तरह से छन्नी में छान लेना है, और ठंडे पानी से 2 से 3 बार मैंने यहाँ धो लिया है। तो देख पा रहे हैं नूडल्स कितने बढ़िया एकदम सफ़ेद और खिले खिले हैं। तो अब हम लेंगे लोहे की कढ़ाई, इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो बस 1 बड़ा चम्मच ही तेल डालना है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज पतली और लंबी कटी हुई, तो जो स्ट्रीट स्टाइल में बनता है यानी मार्केट में जो हम बाज़ार से खा कर आते हैं चाउमीन या फिर शादी पार्टी में जो बनता है, वो लोग फ्राइंग के लिए लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, साथ ही साथ नूडल्स को एक कलर भी मिलता है डार्क सा, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली हुई है। तो देखिए प्याज को कुछ इस तरह से काटना होता है। प्याज आप ज़्यादा डालेंगे तो नूडल्स का टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है, क्रंची नूडल्स जो हैं बनते हैं। ढेर सारी सब्जियाँ डालेंगे क्योंकि हम घर पर बना रहे हैं, तो बहुत ही इसे हेल्दी भी कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एकदम पतला लंबा कटा हुआ जूलियन किया हुआ गाजर। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको जो भी सब्जियां इसमें पसंद हैं या फिर आपका खाने का मन है, आप बनाना चाह रहे हैं, तो जो सब्जियां घर पर अवेलेबल हैं उनसे भी आप बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी सब्जियां होनी ही चाहिए। अब हम इसमें पतला और लंबा कटा हुआ शिमला मिर्च डाल लेंगे। हाई फ्लेम पर ही सारी कुकिंग करेंगे, और देखिए मैं पूरी कढ़ाई में इन सारी सब्जियों को घुमा रही हूँ जिससे कि जो तेल है वो पूरी कढ़ाई में लग जाए, बाद में जब हम अपने नूडल्स डालें तो वो स्टिक ना हो, कढ़ाई से चिपके नहीं, बिल्कुल नॉन स्टिक रहें। तो बस हाई फ्लेम पर इन्हें बिल्कुल थोड़ा सा ही पकाना होता है, सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता है ना ही कवर करके पकाना होता है। इस स्टेज पर हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, 1 चम्मच सिरका व्हाइट वाला डाला है। ऐसा सिरका डालने से जो आपकी सब्जियां हैं उनका कलर बरकरार रहता है, साथ ही साथ सब्जियों को क्रंच भी मिलता है, ये सॉफ़्ट नहीं पड़ती हैं, पक तो जाती हैं लेकिन ये सॉफ़्ट नहीं पड़ती हैं, और हमें सब्जियों को पकाना भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद सबसे लास्ट में जाएगा बंद गोभी पतला और लंबा कटा हुआ। तो सारी सब्जियां बिल्कुल एक ही तरह से काटनी होती हैं दोस्तों, प्याज जो भी सब्जी हमने यहाँ पर डाली है सबको पतला और लंबा ही काटा है। अगर आप मशरूम भी डाल रहे हैं तो उसे पतला और लंबा ही श्रेड कीजिएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बंद गोभी बहुत ही जल्दी से पक जाती है, थोड़ी सी ही पकानी होती है इसे, ओवर कुक तो या फिर टोटली कुक नहीं करना है। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, आप क्या करेंगे सब्जियों को अच्छी तरीके से पहले हम फैला देंगे। इनके ऊपर अब हम उबले हुए नूडल्स यानी कि उबला हुआ जो चाउमीन है उसे डालेंगे। ऐसा करने से जो नूडल है वो डायरेक्ट कढ़ाई में नहीं लगता है और चिपकता भी नहीं है, तो सब्जियों की जो एक बेड जैसा है हम नीचे वो लगा लेते हैं। तो ये भी एक टिप है, ऐसा आप करके देखिएगा आपके नूडल्स जो है नहीं चिपकेंगे। यहाँ पर गैस की आंच को धीमा रखा हुआ है, काली मिर्च का पाउडर डाला है, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार क्योंकि अभी तक हमने कहीं भी नमक नहीं डाला है। काली मिर्च का पाउडर इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा और तीखापन देगा। सोया सॉस हमने डाली है यहाँ पर 1 टेबल स्पून के जितनी, साथ ही साथ ग्रीन चिली सॉस भी हमने यहाँ पर डाली है 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम, और 1 टेबल स्पून भर कर ही हमने यहाँ पर टोमेटो सॉस भी लिया हुआ है दोस्तों। इसी के साथ साथ बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है इसे और तीखा और चटपटा बनाने के लिए। अब हम सबसे पहले इन्हें
धीमी आंच पर ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आंच को तब तक धीमा रखिए जब तक आपके जो नूडल्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते। आंच तेज़ कर देंगे तो ये नीचे से जलने लगेंगे, हो सकता है लग जाएं और आप अच्छे से मिक्स भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स कर डालिए। आप चाहें तो चिमटे की सहायता से भी मिक्स कर सकते हैं, एक प्लेट की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं करछुल से दिखा रही हूँ यानी कि चमचे से चलाना दिखा रही हूँ, इस तरह से आप कलछी से भी चलाएंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जब एक बार ये अच्छी तरीके से फ्रेंड्स मिक्स हो जाए तो गैस की आंच को बढ़ाइए और जिस तरह से मार्केट वाले फ्राई करते हैं ना तेज़ आँच में जल्दी जल्दी से, बिल्कुल उसी तरह से आप भी मिक्स कीजिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अगले आधा मिनट तक यानी 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से इन्हें फ्राई कर लूँगी। तो देखिए लास्ट में हल्की सी नीचे लगने लगती हैं, इसका मतलब है कि जो हमारे नूडल्स हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए कितने बढ़िया हमने खिले खिले एकदम बढ़िया तीखे चटपटे बिल्कुल बाजार जैसे चाउमीन घर पर बनाकर तैयार किए। दोस्तों आपको भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।